बाघ शेर चीता आज भी सलामी देने आते हैं, चू है, सांप है, एक से एक सांप है यहाँ पर, कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया। हर किस्म के लोग आते हैं, हर कौम के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, हर की मुराद पूरी होती है यहाँ पर। और सरकार की करामत यह है कि यहाँ पर जो कैंसर का गांठ होता है वो ठीक होता है सरकार के यहाँ, हर मन्नत करके जाते हैं लोग, उनका पूरा होता है। जो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, आप उनके लिए हाथ उठाकर उनके रोजी, सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको सलामत रखे अपने हबीब पंजतन पाक सौदाए करबला के सदके में, इन वली के सदके में, अल्लाह सबकी मुराद पूरी करे, सबकी दुआ कबूल करे मौला, आमीन। हम सबको सलामत रखे रब्बुल आलमीन, हक राह पे चलाए। بسم الله الرحمن الرحيم दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम से। दोस्तों आज हम आपको लेके चलेंगे मुंबई की 700 साल पुरानी दरगाह शरीफ की, आपको जियारत करवाएंगे। और उस दरगाह शरीफ के बारे में कहा जाता है कि जहां पर साइंस फेल हो जाता है, जहां पर डॉक्टर फेल हो जाता है, जहां पर लाइलाज बीमारी का इलाज किया जाता है, कैंसर जैसे गांठ का वहाँ पर इलाज होता है। इस दरगाह पर शेर, सांप, बिच्छू, बंदर और भी जंगली जानवर आज भी आते हैं सलामी देने। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अकीदत के फूल चढ़ाकर मुरादों की झोलियाँ भर भर के जाते हैं। तो ये मजार शरीफ आप कैसे आ सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और यहाँ की क्या क्या करामाते हैं, और ये दरगाह कहाँ पर पड़ता है, ये पूरी जानकारी हम यहाँ के खादी मजरा से जानेंगे। दोस्तों जैसे कि साइंस इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता है, साइंस इन सब बातों को अंधविश्वास बताता है, लेकिन जिसके ऊपर तकलीफ होती है, जो आप बीती बताता है और जिसे यहाँ से शिफा मिलती है, वही बता सकता है कि रूहानी इलाज किस तरह यहाँ पर होता है। तो आइए बिना देर करते हुए हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा कराते हैं और आपको जियारत करवाते हैं, और आपको गैबन शाह बाबा कादरी रहमतुल्ला की बारगाह में आपको दुआओं में शामिल करते हैं। दोस्तों बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ की मालूमात आवाम तक पहुँच सके और लोग शिफा उठा सके। दोस्तों गेट से घुसते ही हमें हजरत गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं, वहीं से सलामी पेश कर लें। और यहाँ पर कुछ उनके खादिम हजरात के मजार शरीफ है, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो बना देंगे। और यह मुंबई के एकदम जंगल में ये है, इसकी चारों तरफ घने जंगल है, नेशनल पार्क का जंगल बताया जाता है, ये उसी से लगकर है। हम चलते हैं हजरत गैबन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और आपको अंदर से पूरा नज़ारा करवाते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत बेल बूटे में नक्काशी है और ये पूरी लिखावट है, आप वो पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। और दूर दूर से अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत गैबन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ की आप ज़ियारत कर रहे हैं, आप वहीं से सलामी पेश करें और अपने मन में दुआएं मांगें। अल्लाह ताला हज़रत गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से, उनके वसीले से आप तमाम चाहने वालों की दुआओं को कबूल फरमाएं। आपकी जितनी भी जायज़ तमन्ना है, जायज़ मुरादें हैं, वो सभी पूरी हो। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मजार शरीफ के अंदर यहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक भी यहाँ पर रखा हुआ है, जो उर्दू के तारीख को 12 रबीउल अव्वल के दिन यहाँ पर लोगों को ज़ियारत करवाया जाता है। तो वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर वो मुए मुबारक रखा हुआ है, आप कभी भी अगर ज़ियारत करना हो तो 12 रबीउल अव्वल के दिन यहाँ आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत करें। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसी में रखा हुआ है, इन तालों के बीच में हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर से कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, कितना खूबसूरत ये मजार शरीफ बनाया गया है, ये अंदर का गुंबद के नीचे का भाग है
और ये नीचे मजार शरीफ की आप दीदार कर रहे हैं। बहुत ही करामाती गैबन शाह बाबा हैं जो गैब से लोगों का दिलों का हाल जान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मन्नतों के मुरादों के चिराग रखे हैं जो लोग यहाँ पर जलाते हैं। आइए हम आपको और आगे बढ़ते हैं। ये नगाड़ा है जो यहाँ पर नगाड़ा बजाया जाता है और ये चादर शरीफ यहाँ पर रखी गई है। और आगे हम बढ़ते हैं और आपको मजार शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। आप दुआ करें सभी के लिए, हम दुआ करते हैं आपके लिए और तमाम हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं और जो इन वीडियो को देखकर शेयर कर रहा है। अल्लाह उनकी सभी जायज़ मुरादों को पूरी करे और उन्हें बार बार यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत गैबन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जानकारी, उनकी करामात और बाबा जी कौन थे, कहाँ से आए थे और कब से यहाँ पर बसे हुए हैं, हम उनके बारे में जानकारी यहाँ के खादिम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आपका नाम बताइए और यहाँ पर आप कब से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। मेरा नाम जावेद अली हाशमी है, हमको यहाँ पर 20 साल हो गया है। ये कौन सी दरगाह है? ये हज़रत सैयद गैबन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह कब यहाँ पर आए? अब आए, इनको हो गया 700 बरस हो गया है सरकार को आके यहाँ पर दरबार में। ये कहाँ से आए थे? ये बगदाद शरीफ से आए हुए हैं हज़रत सरकार को। बताइए बाबा जी के बारे में, जब आए बाबा जी किन हालात में यहाँ पर आए थे? अब उस वक्त सरकार आए थे, यहाँ पर सब जंगलात थे, सब शेर चीता सब आते थे यहाँ पर, बंदर बहुत है यहाँ पर, और यहाँ पर हर किस्म के लोग आते हैं, हर कौम के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, हर की मुराद पूरी होती है यहाँ पर। और सरकार की करामत यह है कि यहाँ पर जो कैंसर का गाठ होता है वो ठीक होता है सरकार के यहाँ, हर मन्नत करके जाते हैं लोग, उनका पूरा होता है। मतलब कहा जाए तो जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हाँ, वो अगर मना कर दिया है, डॉक्टर फेल कर दिया तो यहाँ पर पास हो जाता है वो चीज़। मतलब डॉक्टर ने भी जिस बीमारी को ला इलाज बता दिया, हाँ, ला इलाज बीमारी, हाँ, यहाँ पर इलाज होता है, यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है सरकार के। तो फिर भी कितना वक्त लगता होगा कैंसर के मरीज को ठीक होने? हाँ, तो 6 महीने लग जाते हैं उनको, 6 महीने में वो ठीक हो जाता है एकदम। अच्छा, तो बाबा जिस वक्त यहाँ पर आए थे वो जरा आप हाल जरा बताइए आवाम को, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी और जंगल था, किस तरह बाबा यहाँ पर आए। यहाँ पर तीन देवी थी जिसमें से एक देवी ने ईमान लाया, उनको आपने माँ का लकब दिया, जिनको माँ साहब से मशहूर है, कब्रिस्तान में दरगाह है उनकी, माँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ पर भी लोग जाते हैं, मकसद मुराद होता है, दुआ होती है। तो उन्होंने ईमान लाया, उनको माँ का लकब दिया। और दो देवी जो है जंगल के पीछे, उनका मंदिर बना हुआ है आज भी। हाँ, तो देवी लोग उस टाइम पर क्या आवाम को अम्माम को परेशान करती थी, जादू अपना दिखाती थी, लोगों को हैरान करती थी, बलि लेती थी लोगों को। उस वक्त बाबा आए, उनके सब जादू ख़त्म किया तीनों का, उसमें से जो उनकी बड़ी बहन थी वो ईमान लाई है, जिनको आज माँ साहब से सब मशहूर है। वो माँ साहब की मज़ार यहीं पर कब्रस्तान में, सुन्नी मुस्लिम कब्रस्तान में। मतलब ये है कि जिस वक्त बाबा यहाँ पर आए थे 600-700 साल पहले, यहाँ कुछ भी नहीं था, सब जंगलात थे, यहाँ पर जंगल थे और तीन देवियाँ थी जी, वो लोगों की बलि लेती थी, लोगों को परेशान करती थी जी जी, जी मामला ये है, मामला ये था। तो फिर बाबा ने यहाँ पर आया और उसके बाद फिर मामला अपना सब मामला किए, सब लोगों को बसाए यहाँ पर, सरकार के जरिए से लोग बसते गए यहाँ पर, जैसे जैसे रोशनी होते गई, लोगों को समझ में आते गए, अपने अपने हिसाब से बसते गए सब लोग, बस्ती हो गई आज। हमने सुना है कि बाबा को, यहाँ के बाबा जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा को गैब से जानकारी हो जाती है, इसके लिए इनका नाम हजरत सैयद गैबन शाह, इसके लिए गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा है। हजरत, हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर आज भी बाघ, हाँ, बाघ शेर चीता आज भी सलामी देने आते हैं, क्योंकि अंदर को एंट्री नहीं अभी देखा किसी ने, कई साल 20-25 साल हो गया है। हाँ, बाहर से आवाज़ करते हैं लोग, दीवार की तरफ से आवाज़ करते हैं। हाँ, मतलब जंगल के रास्ते ऐसे आते हैं बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के बाहर वो आवाज़ करते हैं अपना हिसाब से, जैसे आवाज़ उनका। हाँ, है, मतलब बाहर से आकर सलामी देकर अपनी पेश करके चले जाते हैं। और यहाँ पर इस बाउंड्री में कभी किसी को, कभी किसी को नहीं, कभी बिच्छू भी डंक नहीं मारा। मतलब बिच्छू भी आते हैं यहाँ पर? बिच्छू है, सांप है, एक से एक सांप है यहाँ पर, कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया। जो आवाम महाराष्ट्र के या मुंबई के बाहर से यहाँ पर आना चाहती है कैंसर का इलाज के लिए या और भी किस तरह के यहाँ पर इलाज होते हैं, जादू पे? जादू टोना सब खत्म होता है यहाँ पर, इसको औसफी मामला थे, 10-20 साल से लोग परेशान हैं, नहीं होता है, दरबार में आके दुआ करके जाते उनका ठीक हो जाता है, गैब से ख़त्म हो जाता है वो चीज़। तो अगर वो लोग आना चाहते हैं, अगर किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया है,
खिलाया है, पिलाया है या रोजी रोजगार उनका बांध दिया है, वो परेशान है जी, जी, और कैंसर का मरीज है, अगर वो आना चाहता है मुंबई के बाहर से, मुंबई वालों को तो अधिकतर जाना, हाँ मुंबई के बाहर आवे, थाना उतर जावे, कल्याण उतर जावे, वहाँ से लोकल पकड़ के मुलुंड स्टेशन उतरना पड़ेगा उनको। फिर मुलुंड स्टेशन के बाहर एक नंबर पे आएंगे, 391 बस आती है सरकार के गेट पे, उनका ही पता है, वहाँ से बस पकड़ के सरकार के अपन शाह कादरी के यहाँ जावे, है ना। और जो चाहे तो अपना खुद के रास्ते से दरगाह बोलकर आ सकते हैं। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, जो लोग हमारे चैनल के जरिए जियारत कर रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम दें? वो आए अपना मुराद करें, चैनल देखें, अपना मुराद मांगे, आवे सरकार में लेके जावे, जो भी उनकी परेशानी है, मुसीबत है, जो घर में कमी है, उनका पूरा होगा इस दरबार से। कुछ पूछना? चलो हजरत, जो लोग इस वीडियो के जरिए आपको देख रहे हैं और मजार शरीफ की जियारत कर रहे हैं जी, आप उन लोगों के लिए और जो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, आप उनके लिए हाथ उठाकर उनके रोजी सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको सलामत रखे अपने हबीब पंजतन पाक सौदाए करबला के सदके में, इन वली के सदके में, अल्लाह सबकी मुराद पूरी करे, सबकी दुआ कबूल करे मौला, आमीन, हम सबको सलामत रखे रब्बुल आलमीन, हक राह पे चलाए, अल्लाह ताला सबको खैरियत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।